सनातन की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सनातन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑपरेशन होने के बाद भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ भी वो खाता है वो उसको सीधा सिर में दर्द करता है। यही चीज़ें, यही परेशानी सावित्री को और अंजलि को सता रही है। सबसे ज़्यादा इस टाइम अंजलि उस चीज़ को फेस कर रही है, क्योंकि उसके लिए पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और उसके हस्बैंड के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए परमात्मा से दुआ करते हैं, सनातन के लिए हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और क्योंकि देखिए, वही कर्ता धर्ता है, और जो भी इंसान अपने घर का कर्ता धर्ता होता है, भगवान उसके ऊपर असीम अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि उसकी वजह से पूरा घर चल रहा होता है। तो यही सारी बातें हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर मैं अपनी करने वाली हूँ आज बात आप लोगों के साथ। जैसे कि गणेश जी ने ये चीज़ें बोली हैं कि सावित्री का ये कहना था कि मुझे घर जाना है, पर मुझे घर जाने से पहले मुझे बहुत कुछ है, पर सनातन ने मना कर दिया। बोला कि नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है और तुम वहीं रहो, घर बनवा लो और फिर मैं आता हूँ। तो देखिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, पर चंद शब्दों में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी मैं। जो सनातन है, सावित्री ने ये बात कही है कि 80% सनातन का हाथ है उसके घर बनवाने में। तो देखिए, 20% 20% में से मुझे लगता है 15% हाथ सावित्री का है, और 5% शायद ही उसके हस्बैंड का होगा। इसका मतलब सीधे सीधे लफ्ज़ों में अगर कही जाए तो सावित्री को जो लड़की ये चीज़ें बोली जा रही थी, दहेज देना या दहेज को वो चीज़ें करनी, पर सनातन ने अगर दहेज नहीं दिया, उसको छत बना के दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सनातन का ही नहीं, हम सबका भी यही बात सोचने का है कि सावित्री रेंट के घर में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रख पा रही है। रेंट के घर में जब रहते हैं तो बहुत सारे इशू हो जाते हैं जिनको हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, हमारी मेंटली स्थिति ठीक नहीं रहती है। और वैसे भी सावित्री को पता है, घर देखना होता है, बाहर देखना होता है, अपनी नंद को देखना होता है, अपनी सासू माँ को देखना होता है। वो एक बेस्ट बहू बनने की पूरी कोशिश करती है, जो कि वो बन भी रही है। पर कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो लोग हमारा यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं। ये चीज़ें हैं, पर हमको जो चीज़ें लगती हैं कि आपको उसी चमक उसी स्माइल के साथ आप आएं। और बहुत सारी बातें बातों में सावित्री ने ये बात कही थी कि मेरे घर में तमाम परेशानियां हों, पर जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो मैं स्माइल लेकर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ जितनी भी वीडियो मैं शेयर करूँ, वो हंसती खेलती वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग उस चीज़ को देखें, ज़्यादा टेंशन ना लें। पर कहते हैं ना, जो बहुत करीब से उनको जानता है, बहुत करीब से उन्हें समझने लगता है, तो उनको कहाँ क्या परेशानी हो रही है तो वो अच्छे से समझ में आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चीज़ के ऊपर एक बात और कहना चाहूँगी, जो हम लोगों को बोलते हैं कि रिएक्शन देते हो, आपको पता है आप लोग सिर्फ़ एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देख के सीधा चले जाते हैं। हम उस वीडियो में हर एक मोमेंट्स को नोटिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस वीडियो को एक नहीं, तीन तीन चार चार पाँच पाँच बार उस वीडियो को देखते हैं, तब हमें लगता है कि इस वीडियो में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सावित्री बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ एक इस टाइम तो सावित्री के साथ ऐसा कनेक्शन बन गया है कि क्योंकि हर दिन वीडियोस बनाना, हर दिन उसके ऊपर बात करना, एक फैमिली वाला अटैचमेंट आने लग गया है। और टच वुड की धीरे धीरे सावित्री जो चीज़ें हैं अपनी संभाल रही हैं, बता रही हैं। और यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूँगी, सनातन के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा, क्योंकि सनातन के ऊपर उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। अंजलि जितना हो सकता है उतना अपने से ज़्यादा करने की कोशिश कर रही है, और करना भी चाहिए एक वाइफ को, अपनी पत्नी को, क्योंकि हम बीमार होते हैं तभी हमें हमारे पार्टनर की वैल्यू पता चलती है कि वो हमें कितना प्यार करता है, कितना नहीं करता है। अंजलि सनातन के बिल्कुल इस तरीके से उसका साथ दे रही है जैसे कि परछाई, आपको पता है शरीर से परछाई छोड़कर नहीं जाती है, ठीक उसी तरीके से अंजलि सपोर्ट कर रही है, हर तरह से सनातन की हेल्प कर रही है, जैसे कि एक करनी चाहिए वाइफ को। तो ये चीज़ें भी सनातन मानते थे कि जब से अंजलि आई है तब से उनके चैनल में इम्प्रूवमेंट हुआ है और दोनों बहन भाइयों के चैनल अच्छे से ग्रो हुए हैं। पर सनातन के साथ साथ अंजलि भी इस चीज़ को समझती है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोलती हैं। मुझे नहीं लगता कि अंजलि को ये सब चीज़ें बोलना चाहिए, बट उसके मन में ये बात आ जाती है कि मैं अगर ये नहीं रहूँगी तो ये बीमारियाँ मेरे साथ ही जाएंगी, और मुझे अपने घर में रखकर आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ये सनातन को अंजलि कहते हुए बोल रहा जा रहा है, अंजलि का अंजलि ये बात बोल रही है कि तुम मुझे अपने घर में लेके आए हो, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आपने लव मैरिज की है, आपके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि अपनी फैमिली को आप छोड़कर आई हैं,
आप सब चीज़ें समझती हैं और आप अपने घर की पहली बेटी, बड़ी बेटी हैं, और उसके बाद फिर आपके साथ साथ आपके काफ़ी सारे रिश्ते हैं, उन पर भी कहते हैं ना एक ठोकर लगती है, तब हम आगे नया कदम उठाते हैं और नई गृहस्थी तैयार करते हैं। और जब तक आपकी वीडियोस देखी हैं तब तक आपके बारे में बहुत कुछ समझ में आया है कि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से पैम्पर करती हैं, अपने ससुर को, अपने देवर को और अपने सिस्टर इन लॉ को, अपनी ननद को, तो बहुत अच्छे से आप सब चीज़ें संभालने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि सनातन सब चीज़ों को लेके चलता है, उसी की परछाई आप बन के उन सब चीज़ों को, उन सब रिश्तों को बहुत प्यार से संभालने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सफल गृहिणी हैं। और आपने बेशक लव मैरिज की है, पर लव मैरिज करने के बाद भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि लोगों ने आज के टाइम में एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, एक क्योंकि वायरल होने के लिए उनको यही एक पैतरा नज़र आता है। कहते हैं ना, रिश्ते बनाना और रिश्ते निभाना बहुत बड़ी बात है। बनाने को तो मैं फलाने से कह दूंगी, रिश्ता बनाने को तो मैं फलाने से कह दूंगी कि भैया ये मेरा रिश्तेदार है या फिर ये मेरा दोस्त है, मेरी बहन है, पर बात होती है निभाने के ऊपर, और निभाना बहुत बड़ी बात है। कई बार तो जो अरेंज मैरिज करके जाते हैं वो भी रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। तुम लव मैरिज करके भी तुमने उन रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और उनको बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही हो, बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को। आज मैंने इन तीनों भाई बहनों के ऊपर बात की है, अंजलि के ऊपर, अंजलि के हस्बैंड और सावित्री को, इन तीनों को लेके आज मैंने गणेश का ज़्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे आज की वीडियो में लगा नहीं कि उसका जिक्र करूँ, क्योंकि जितना किया है सनातन ने किया है और जितना कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत 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 ज़्यादा कर रहा है। और इतना भी होने के बाद अगर उसको वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत ना मिले तो फिर क्या करें, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी स्माइल के साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।